दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं अपने किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना, ताकि आप लोग का जो बैकग्राउंड है, कोई भी आप लोग का बैकग्राउंड जो है गंदा दिखता है और आप लोग चाहते हैं उस बैकग्राउंड को आप लोग चेंज करना, कोई कलरफुल बैकग्राउंड लगाना या कोई ब्लर बैकग्राउंड लगाना, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोग अपने किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी कलरफुल। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस यहाँ पे अगर आप लोग अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग को जाना होगा क्रोम ब्राउज़र पे। तो गाइस यहाँ पे मैं जो आप लोग को एक वेबसाइट दूंगा और उस वेबसाइट पे आप लोग को कोई भी मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक क्लिक करना होगा और आप लोग जिस फ़ोटो को चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड उसको सेलेक्ट करना होगा और आप लोग अपने मनपसंद बैकग्राउंड को लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग आइए और यहाँ पे आप लोग टाइप कर दीजिए remove.vg और ये आप लोग remove.vg आप लोग टाइप करके यहाँ पर सर्च कर दीजिए। तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, इंटरनेट ऑफ है तो उसको ऑन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ मिलता है अपलोड इमेज, यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोग जिस फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उस फ़ोटोज़ को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल रहे हैं और आप लोग जो भी फ़ोटो अपने बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट यहाँ पर कर लीजिए। सो गाइस मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ और यहाँ पे डन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है, जो भी इस फ़ोटो का बैकग्राउंड था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं। अब मुझे इस फ़ोटोज़ का जो बैकग्राउंड है वो मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को एक एडिट मिलता है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है पहले ऐसा था, ठीक है ये। अब इसका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है मुझे ब्लर करना, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इसको ब्लर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं और भी ज़्यादा ब्लर हो गया। तो यहाँ से आप लोग अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग नीचे आप लोग देखेंगे ये फ़ोटो के जो कलर हैं, तो आप लोग यहाँ पर इन फ़ोटोज़ के कलर वगैरह हैं वो आप लोग इस तरीके से डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं फ़ोटो का बैकग्राउंड है यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है ये देख सकते हैं। अब नीचे आप लोग यहाँ पर देखेंगे इधर साइड में ये देख सकते हैं बैकग्राउंड ने, तो इनके आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। इस तरीके का बैकग्राउंड है यहाँ पे, ये इस तरीके का बैकग्राउंड है, तो आप लोग जैसा बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑसम बैकग्राउंड है यहाँ से, ये बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे आप लोग जो वाइट डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड मिलते हैं ये देख सकते हैं, ये फ़ोटो काफ़ी ऑसम यहाँ पर लग रहा है। वन क्लिक में ही आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। और मुझे ये वाला लगाना बैकग्राउंड, या मैं सेलेक्ट करूँगा ये वाला बैकग्राउंड हो गया लाइटिंग डीजे, ठीक है ये वाला लगाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं बैकग्राउंड, तो यहाँ पे ये वाला लग जाएगा। सिर्फ वन क्लिक लगेगा आप लोग के फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ये सारे के सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं इस वेबसाइट पे, तो आप लोग जो बैकग्राउंड लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बैकग्राउंड है, यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं, तो बहुत ही औसम औसम है। अब गाइस यहाँ पर आप लोग अपने मर्ज़ी से कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, जैसे आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने मर्ज़ी से कोई बैकग्राउंड लगाएं, तो बैकग्राउंड यहाँ पे देख सकते हैं ये बैकग्राउंड मिल जाते हैं और ये इरेज कलर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे, तो गाइस आप लोग अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं यहाँ पर मिलता है अपलोड बैकग्राउंड, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब गाइस आप लोग की गैलरी में जितने फ़ोटोज़ होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। आप लोगों ने जो भी और जहाँ पर भी बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा है तो उस बैकग्राउंड को ले लीजिए। मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ और डन करूंगा और आप लोग देखेंगे ये बैकग्राउंड मेरा यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। और इस बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहे यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस इस तरीके से आप लोग अपने किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं वन क्लिक में। अब आप लोग का फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, ऊपर आप लोग को एक एरो का आइकन मिलता है, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ मिल जाता है डाउनलोड इमेज, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए और आपका इमेज जो है डाउनलोड हो जाता है और इसको आप लोग यहाँ पर ओपन करके इस इमेज को देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग बड़े ही आसानी से अपने किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं वन क्लिक में। दोस्तों अगर आप लोग अपने किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।